चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि हम एक्टिव मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं एक्टिव मास का। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास क्या होता है? मास मास विच इज एक्टिव मास विच इज एक्टिव दैट इज फर्स्ट पार्टिसिपेट दैट इज फर्स्ट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन इज नोन एज एक्टिव मास इज नोन एज एक्टिव मास। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। और जो आपका एक्टिव मास होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। किससे करते हैं फ्रेंड? एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक्चुअली ये जो हमारा एक्टिव मास है ये एक्चुअली क्या होता है? जो एक्टिव मास है इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। और जो हमारा कंसंट्रेशन है इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। क्या इसको बोलते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो हमारा इस एक्टिव मास का यूनिट क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स को एम और वॉल्यूम को पर लीटर। तो ये हमारा हो गया यूनिट। अब आपको पता है कि अगर हम इसको गैस के बारे में कन्वर्ट करें तो अगर कुछ भी गैस मेंशन नहीं रहता है तो हम आइडियल गैस ही अज्यूम करते हैं। मुझे पता है कि पी वी बराबर होता है एन आर टी, होता है ना? यानी मैं एन बाई वी को क्या लिख दूंगा? पी बाई आर टी। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो अब मेरा एक्टिव मास क्या बन जाएगा? अब मेरा जो एक्टिव मास है वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम जो है ये हो जाएगा पी बाई आर टी। अरे हाँ कि ना? यानी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा आर है वो क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम में हमारा टेम्परेचर फिक्स रहता है क्योंकि जहाँ टेम्परेचर वेरिएशन हुआ तो दाएं बाएं होना शुरू हो जाएगा। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर दोनों का दोनों क्या है? कांस्टेंट है। यानी प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? एटीएम। मतलब अगर हम एक्टिव मास का यूनिट पूछे मोल्स में तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। और यही अगर एक्टिव मास का अगर हम पूछते हैं यूनिट प्रेशर में तो क्या हो जाएगा? एटीएम। आया समझ में? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम जो भी रिएक्शन लेते हैं उसमें जो भी हम एलिमेंट या सब्सटेंस लेते हैं उसके फेस का बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप अगर रिएक्शन कर रहे हो तो वो आप सॉलिड फेज में ले रहे हो, लिक्विड फेज में ले रहे हो कि गैस फेज में ले रहे हो, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं इसमें? कि व्हेन एवर सॉलिड अब्लिक लिक्विड whenever solid oblique liquid or both appear
वेन एवर सॉलिड अब्लिक लिक्विड और बोथ अपीयर विथ गैस बोथ अपीयर विथ गैस देन एक्टिव मास देन एक्टिव मास ऑफ सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी इज टेकन एज यूनिटी समझ में आया एंड दे विल नॉट अपीयर एंड दे विल नॉट अपीयर इन द एक्सप्रेशन दे विल नॉट अपीयर इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं करेगा क्यों क्योंकि सॉलिड लिक्विड का हम वैल्यू क्या लेंगे वन जैसे मान लीजिए अगर मैं एक छोटा क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है 2.8 ग्राम ऑफ N2 इन 10 लीटर ऑफ कंसंट्रेशन मुझे पता है कि जो एक्टिव मास ऑफ N2 होता है ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास होता है ना तो गिवन मास कितना है 2.8 एंड व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ N2 N का मास होता है 14 तो 2N का कितना होगा मास 28 बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.01 मोल पर लीटर ये हो गया एक्टिव मास अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहला पॉइंट देखो पहला पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं कि व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन When active mass is expressed in terms of concentration, then equilibrium constant is known as Kc. Kc मतलब concentration. तो यहां के क्या हो गया के आपका कांस्टेंट है और सी क्या हो गया कंसंट्रेशन जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं किसी रिएक्शन का अब हम रिएक्शन में जब भी लिखेंगे तो हम फेज लिखना मस्ट है क्योंकि अगर सॉलिड लिक्विड आ गया तो उसे क्या लेंगे वन लेंगे तो हमने ले लिया N2 गैस प्लस साथ में आपका रिएक्शन बैलेंस भी होना चाहिए हम लिए N2 गैस और साथ में लिखे 3H2 गैस
इक्विलिब्रियम में आ गया टू NH3 गैस, तो हमारा KC कितना हो जाएगा? अभी हम बोले थे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी KC कितना हो जाएगा, NH3 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 का पावर 1 एंड H2 का पावर 3। ये पूरा का पूरा किस में हो गया, कंसंट्रेशन में। दूसरा हम बात करते हैं कि व्हेन एक्टिव मास व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जब हम एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं KP। क्या लिखते हैं, KP। देखो जब हमने किया कंसंट्रेशन में तो क्या लिखा, KC, जब हमने किया प्रेशर में तो क्या लिखा, KP। यहाँ K क्या है, कांस्टेंट है, और P क्या है, पार्शियल प्रेशर। K कांस्टेंट और P क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर। क्लियर। जैसे मान लो हम सेम रिएक्शन ले रहे हैं, N2 गैस प्लस ऑफ 3H2 गैस इक्विलिब्रियम क्या दे रहा है, 2NH3 गैस। हम अब किसका KP लिखेंगे, तो KP क्या हो जाएगा, यानी प्रेशर, तो क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ NH3। अब हम लेंगे ये ब्रैकेट, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेंगे, कैसे लेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट बताइए, का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल पावर 3। ये हो गया हमारा KP ऑफ दिस रिएक्शन। अगर मान लो, चलो एक बार इसका अगर हम KC भी लिखे तो कैसे लिखाएगा, KC विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ NH3 का होल 2 बाई N2 एंड H2 का होल 3। ये क्या हो गया हमारा KC। आया समझ में। अब आते हैं कि KP किस रिएक्शन के लिए डिफाइंड होगा। KP वही रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा जहां मिनिमम एक भी एलिमेंट या कंपाउंड गैस फॉर्म में होना चाहिए। आया समझ में। तो नोट करके हम लिख देते हैं, कि जो हमारा KP है वो क्या है, KP इज डिफाइंड ओनली, KP इज डिफाइंड ओनली फॉर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व एटलीस्ट वन गैस इसी के लिए क्या होता है, KP डिफाइंड होता है। मतलब रिएक्शन में एटलीस्ट एक तो गैस आपको होना ही चाहिए। आया समझ में। चलो हम बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ KP एंड KC। यूनिट ऑफ KP एंड KC, इसका यूनिट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आता है कि यूनिट क्या होता है KP एंड KC का। अब देखिए, मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं N2 गैस, साथ में हम ले लिए 3H2 गैस इक्विलिब्रियम
क्या दे दिया गया, 2NH3 गैस। तो Kc कितना हो जाता है, NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इनटू H2 का होल 3। अब हम बात करते हैं कि यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ Kc। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा एक्टिव मास है, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का होल क्यूब। पूरे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 314, मतलब ये आ गया मोल पर लीटर का होल पावर -2। दिस इज द यूनिट ऑफ Kc। अब ये जो यूनिट आया Kc, दिस इज फॉर दिस रिएक्शन ओनली, ये इसी रिएक्शन का है। तो हम जनरल क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई भी रिएक्शन हो उसका जनरल क्या होगा, ये तो उस रिएक्शन के लिए है। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम इस रिएक्शन का डेलन निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कितने मोल्स प्रोडक्ट पर हैं, 2, कितने मोल्स रिएक्टेंट पर हैं, 3+1 4, यानी कितना आ रहा है, -2। मतलब जो पावर में जा रहा है वो क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और सब के सब गैसियस फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हम जनरल क्या लिख सकते हैं कि जनरल में जो हमारा यूनिट ऑफ Kc होता है वो क्या होता है, मोल बाई लीटर का पावर डेल एन, जहाँ पर वेयर डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आया समझ में, तो ये हो गया हमारा जनरल किसी भी रिएक्शन का Kc यूनिट। अब हम बात कर रहे हैं कि Kp का यूनिट क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ Kp। Kp का यूनिट क्या होगा, फिर से हम लेंगे सेम रिएक्शन, क्या होगा, ये हम ले लिए यहां पर N2 गैस प्लस ऑफ 3H2 गैस इक्विलिब्रियम दे रहा है 2NH3 गैस। अगर इसका हम Kp लिखे तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर में लिखेंगे, क्या आपको सिखाए थे यहाँ पर हम कि हम Kp किस में लिखते हैं, Kp इज रिटन इन पार्शियल प्रेशर। तो क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल 3। अब अगर हम इसका यूनिट बात करें कि यूनिट ऑफ Kp दिस इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ATM, तो क्या हो जाएगा, ये होगा ATM का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ATM इनटू ATM का होल क्यूब। ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ATM का पावर -2। तो ये तो जो हमारा यूनिट आया ये तो पर्टिकुलर इस रिएक्शन का है कि नहीं। अगर इसका हम निकालते हैं डेलेन गैसियस फेस, हम अब लिखवाए थे Kp इज ओनली वैलिड फॉर दोज विच आर इन गैसियस फेस, तो डेल एन जी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेस। पी में कितना है, 2 माइनस रिएक्टेंट में 3+1, ये कितना आ गया, -2।
तो हम क्या देख रहे हैं कि जो माइनस टू है वो इट इज इक्वल टू डेल एन जी। तो हम जनरल में हम केप यूनिट ऑफ केपी क्या लिखेंगे, जनरल में हम यूनिट ऑफ केपी क्या लिखेंगे कि एटीएम का पावर डेल एन जी, वेयर डेल एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज। तो हमने केपी एंड केसी दोनों का यूनिट निकालना सीख लिया, हाँ कि ना। चलो अब हम अगला बात करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी में आपका क्या रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस स्कूल एग्जाम में प्रूफ करने को आता है, आपके मेडिकल में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, एक बार हम प्रूफ करते हैं कि मान लो कभी आप भूल गए एग्जाम में, टाइम है तो इसको आप प्रूफ करके निकाल सकते हैं। चलिए मान लो हमने कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लिया, मान लो हमने कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लिया कि 2A गैस प्लस B लिक्विड प्लस C सॉलिड इक्विलिब्रियम इज गिविंग D गैस प्लस 2E गैस, ये हमें दे दिया गया। अगर इसका हम सबसे पहले अगर हम केसी लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ डी बाई एक्टिव मास ऑफ ई का होल स्क्वायर बाई, केवल गैस में क्या है ए, क्योंकि सॉलिड का वन हो जाता है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा ए का पावर टू, ये हो गया हमारा केसी। अगर हम केपी लिखें तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का होल स्क्वायर, यानी सेम रिएक्शन का हमने केसी भी लिखा एंड केपी भी लिखा। हमें एक्चुअली निकालना है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आपको हम थर्मोडायनेमिक से ही बोलते आ रहे हैं कि अगर कहीं भी गैस के बारे में इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो हम गैस को क्या एज्यूम करते हैं, आइडियल गैस। तो अगर हम गैस को एज्यूम करते हैं आइडियल तो हम क्या लिखेंगे, पीवी बराबर एन आर टी। अब देखो जो जो हमारा गैसियस फेज में जैसे डी है ई है ए है, इनको हम पीवी बराबर एन आर टी के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ए के लिए तो आपको पता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रहा है, मतलब हर केस में वॉल्यूम फिक्स रहेगा, अरे हाँ कि ना। तो ए के लिए हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी, यानी इससे क्या मिलेगा हमारा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई वॉल्यूम इंटू आर टी। और अभी सिखाए थे आपको एन बाई वी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास, यानी क्या लिखेंगे इसका, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। अब सिमिलरली अगर हम देख रहे हैं कि ए का हो गया अब डी है, तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ डी इंटू आर टी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ई क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ई इंटू आर टी। अब ये एक आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अब आपका एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, आप ये सब के सब इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा हमारा, जो इनिशियल था हमारा के पी इज इक्वल टू क्या था, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ई का होल स्क्वायर
डी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का होल स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट करो। पी डी कितना आ रहा है? एक्टिव मास ऑफ डी इंटू आर टी इंटू पी कितना आ रहा है? एक्टिव मास ऑफ ई का होल स्क्वायर आर टी का होल स्क्वायर। और पी ए कितना आ रहा है? एक्टिव मास ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू आर टी का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो, क्या होगा? डी इंटू ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब आर टी क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा आर टी का पावर थ्री और नीचे हो गया टू। पूरे सॉल्व करने पर क्या आएगा? अब देखो, जब पूरा सॉल्व करोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? केसी। तो हम क्या लिखेंगे? केसी इंटू आर टी का पावर वन। के पी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी का पावर वन। अब देखिए, हमने जो रिएक्शन लिया था वो क्या था? रिएक्शन आपका हमने लिया था टू ऑफ ए गैस प्लस बी ऑफ लिक्विड प्लस सी ऑफ सॉलिड इक्विलिब्रियम इज गिविंग डी ऑफ गैस प्लस टू ऑफ ई गैस। अगर इसका हम निकालते हैं डेल एन जी तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज। प्रोडक्ट में कितना गैस है? दो और एक तीन। रिएक्टेंट में कितना गैस है? दो। कितना आ गया? वन। मतलब जो आर टी का पावर वन लिखे हैं इट इज समथिंग इक्वल टू डेल एन जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा के पी है इट इज समथिंग इक्वल टू के सी इंटू आर टी का पावर डेल एन जी। अरे हाँ कि ना? मतलब ये हो गया किसी भी रिएक्शन का जनरल यूनिट। और यही जो डेल एन जी है ये रिएक्शन में आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। आया समझ में? अगर आपका स्कूल का एग्जाम होता तो ये प्रूफ करने को आता, लेकिन नीट में सीधे आपको ये निकालना, वहां प्रूफ नहीं करना है। वहां बस आपको आंसर सही से पुट करना है। कहां से आंसर लाए वो भी नहीं पता है, चोरी करके किए हो, पूछ के किए हो, लेकिन आंसर सही चाहिए। और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चल, अब जो हमारा डेल एन जी आ रहा है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि जो इसका वैल्यू है हो सके वो वैल्यू कहीं क्या हो जाए? जीरो हो जाए। हो सके जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? जीरो से बड़ा हो जाए। हो सके वो वैल्यू क्या हो जाए? जीरो से छोटा हो जाए। अब देखिए, हम सब की बात कर रहे हैं, के पी बराबर होता है के सी इंटू आर टी का पावर डेल एन जी। नाउ इफ डेल एन जी इजकल टू जीरो, मतलब क्या आ जाएगा? एनी थिंग रेस टू पावर जीरो होता है ना, तो जब डेल एन जी जीरो आ जाएगा तो हमारा के पी बराबर के सी। ये क्वेश्चन एग्जाम मेडिकल और जेई में आ चुका है। अगर ये जीरो से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? के पी इजकल टू के सी इंटू आर टी का पावर समथिंग आएगा। जीरो से बड़ा है तो समथिंग तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा के पी है वो के सी में कुछ आर टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब के पी इज ग्रेटर देन के सी। और छोटा है तो क्या होगा? के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी का पावर समथिंग माइनस होगा, क्योंकि डेलेजिट क्या जीरो छोटा है। तो क्या लिखोगे इसको? कि के पी इज समथिंग इक्वल टू के सी बाई आर टी। मतलब जो के पी है वो के सी बाई आर टी है, मतलब के सी का और छोटा पार्ट है वो, क्योंकि डिवाइड करने में क्या होता है? सब्सटेंस छोटा होता है और मल्टीप्लाई करने पर
बड़ा होता है, तो डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, के पी इज लेस देन के सी। ये तीनों बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासकर मेडिकल वाले याद रखिएगा, जेई मेंस में भी कभी कभी पूछ सकता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो।